नमस्कार, जेवीएन विजन टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिल्पा ठाकुर। जैसे कि आप जान रहे थे हैं कि हमारा जो राज्य स्तरीय रोडू मेला है वो 21, 22, 23 को उसका आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं एसटीएम सर के पास, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे रिगार्डिंग रोडू मेला। तो सर, सबसे पहले तो आपका जेवीएन विजन टीवी पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, इस बार क्या खास विशेष इस रोहडू मेले में रहना है, सर इस बारे में आप बता दें। देखिए, रोहडू मेला जो हमारा राज्य स्तरीय मेला है और इस वर्ष 21, 22, 23 अप्रैल को रोहडू में मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं। आज 5 तारीख है और आज से हमारी एक मुख्य गतिविधि शुरू हुई है। आज प्लॉट्स का आवंटन हमने शुरू किया है। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है क्योंकि इससे हमारी जो आमदनी होती है मेले की, इसी स्टेप से बहुत बड़ी होती है। तो आज से हम प्रयास शुरू कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन हम जोड़ पाए और जो मेले में जो भी हम विशेष चीजें ला पाएंगे उस पर निर्भर करता है कि कितना हम धन संसाधन जो है एकत्र कर पाते हैं। तो वो प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं और इस बार उम्मीद रहेगी कि कुछ ना कुछ विशेष रोडो में जरूर प्रस्तुत करें और उसी प्रयास में हम जारी हैं और कुछ दिनों में हम इसमें और आपको अपडेट दे पाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो मुख्य प्रयास है वो ये है कि संसाधन जो है, जो फाइनेंसेस हैं, वो हम जल्दी से एकत्र कर पाएंगे। जी सर। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि रोहडू मेले के दौरान ट्रैफिक बहुत हो जाता है, जिससे जो ड्राइवर्स हैं उनको भी दिक्कत आती है, प्रशासन को भी दिक्कत आती है और साथ ही साथ पब्लिक को भी दिक्कत आती है। इस बार इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, हर बार जो मेला होता है उसमें हम कुछ सीख लेते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं क्या दिक्कत हमें आ रही है। इस बार मेले से पहले हमारा प्रयास ये है कि जहां जहां रोड खुला होना है वहां खुला हो जाए, जहां पे कुछ जगह एनक्रोचमेंट थी वो भी हटी है तो जगह खुली हुई है। इसके साथ ही ट्रैफिक के जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम एक डिटेल प्लान बना रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा ना हो। वन वे कहीं जगह रोड किया जाता है, बसेस के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, छोटी गाड़ी के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, पार्किंग के लिए की जाती है। ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लान हम ट्रैफिक का बनाकर देंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि कम से कम दिक्कत लोगों को आए। लेकिन मेला होता है, लेकिन रश तो मेले में होता है, थोड़ी सुविधा तो होती है लेकिन सुविधा कम से कम हो पाए, हमारा प्रयास रहेगा। ट्रैफिक हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वो स्मूथ चले, रोजमर्रा के काम जो है वो प्रभावित ना हो और हमारा काम चलता रहे। तो प्लान हम बना रहे हैं और इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी, क्या इस बारी बाहर से जो कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आएगी, क्या वो भी इसमें प्रस्तुति देंगे या यहाँ के लोकल्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे जो लोकल कलाकार होते हैं उनको प्राथमिकता देना हमारा फर्ज भी है क्योंकि उन्हीं का ये मेला है, उन्हीं के क्षेत्र का मेला है, तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मिलेगी। लेकिन साथ में हमें ये भी मांग आती है लोगों की कि उसमें जो क्वालिटी है वो भी सुनिश्चित की जाए। ऐसा ना हो कि जो मेले का स्टैंडर्ड है उसकी जो क्वालिटी है प्रस्तुतियों की वो ना खराब हो जाए। तो हम इस बार लोकल को प्राथमिकता भी देंगे लेकिन साथ में एक ऑडिशन का सिस्टम भी हमने रखा है ताकि अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो लोकल है चाहे वो बाहर का है, अगर उसको हम स्टेज पर भेज रहे हैं और वो हजारों लोगों के सामने प्रस्तुति दे रहा है तो उसकी क्वालिटी हो, उसके लिए हम ऑडिशन भी शुरू कर रहे हैं। जी सर, आप एक बारी ऑडिशन की कोई अगर डेट फाइनल हुई है कि कब से ऑडिशन हो गए और क्या फॉर्म फिल करने की डेट कब से है? अभी उसकी हमने एक सब कमेटी बनाई है। जी। तो सब कमेटी अपने एक दो दिन में अपनी मीटिंग कर लेगी और वो अपनी डेट तय करेगी उनको ऑडिशन कब करना है। जो भी डेट तय की जाएगी उसको हम आप सबके माध्यम से पब्लिक में शेयर करेंगे और फिर लोग ऑडिशन के लिए आ सकते हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि आप रोहडू की जो जनता है उससे क्या इस मेले के लिए अपील करना चाहेंगे? देखिए, रोहडू का एक बहुत ही अच्छा पर्व है, हमारे देवताओं का ये फेस्टिवल है और लोग बहुत बहुत खुशी से इस मेले को मनाते हैं और हर पूरे वर्ष इस मेले का इंतजार करते हैं। हमारा दायित्व भी है कि हम एक बहुत अच्छा मेला बनाकर दें और लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस मेले में हमारा पूरा सहयोग दें। आपके सुझाव, आपके आवेदन सब आमंत्रित हैं और हम आप सबसे मिलके, सब लोगों से मिलकर आपके लिए एक अच्छा सा मेला प्रस्तुत करेंगे। मेरी आपसे अपील ये है कि इसको सुविधाजनक बनाने में हमारा सहयोग करें और ना सिर्फ मेले के दौरान बल्कि मेले के आसपास भी रोडों में कुछ समस्याएं देखने में आती हैं जिसका इलाज जो है लोकल लोगों के पास ही है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, तो थोड़ा जो लोग गाड़ी चलाते हैं थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ चलाएं, अननेसेसरी किसी जाम का कारण ना बने, गलत जगह पार्किंग ना करें, पार्किंग भी एरिया में डेवलप की जा रही है, तो इसमें सबका सहयोग करें और मैं सबसे आशा करता हूं कि इस मेले को सफल बनाने में हम सबका सहयोग करेंगे। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।